आर यू ओके एंड फाइन? ओके, तो आज इस चैनल पे बहुत दिनों बाद मिला हूँ मैं आपको, और कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, चलता रहेगा प्रोसेस, आते जाएंगे जाते रहेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पे आईआईटी जेई के लिए और नीट के लिए जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से फिर से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा इस चैनल को चेंज कर लें और YBS इंडिया के नाम से चैनल है उसको कर दें, है ना। तो अब चलिए इस चैनल पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो PGT, TGT और नेट गेट के बारे में देने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेडिकल IIT से रिलेटेड इससे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ YBS इंडिया के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और कोशिश करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक होगी वो अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम। अब इसमें जैसा आपने अभी बोर्ड पे देखा होगा कि मैं PGT TGT के बारे में बताने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स ही बोलूँगा, बच्चे तो आप लोग क्या होगे, MSc कर चुके हो, बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात चल रही है UP PGT में वैकेंसी आ गई है, और जितने भर भी बच्चे काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे, काफ़ी दिनों से परेशान थे, काफ़ी दिनों से उनके दिमाग में चल रहा था कब वैकेंसी आएंगी, कैसे वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी होंगी, बीच में कुछ वैकेंसी निकली थी लेकिन किसी कारण बस वो वैकेंसी जो है उनको पोस्टपोन करनी पड़ गई, और फिर दोबारा से वो सेम वैकेंसी निकल आई है। तो इसमें कुछ बच्चों के डाउट भी चल रहे हैं, उनको मैं आपको कोशिश करूंगा अभी सॉर्ट आउट करने की। तो नंबर वन ये है कि यूपी में जो PGT TGT की वैकेंसी थी जो बीच में अभी पोस्टपोन कर दी थी, दोबारा से गवर्नमेंट ने निकाल दिया, जिसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है और फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 15th of April है, और जो फॉर्म स्टार्टिंग हो चुका है आज से, मतलब 16 मार्च से, कब तक चलने वाला है, 15 अप्रैल तक। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो भी डिस्कस करूँगा वो केमिस्ट्री के बारे में करूँगा, क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो जैसे डिस्कस करने वाली बात है, बच्चे के दिमाग में चलता है भाई किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है तैयारी करना, एक है सिलेक्शन लेना। अगर आप तैयारी ढीली करते हो तो तैयारी करते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप डेफिनेटली ये मन में बना चुके हो, बहुत सारे बच्चे जो इसमें सिलेक्शन लेते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं चीज़ों से ताकि वो एक बार में ही सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ की वैल्यू आइडिया लग जाता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको वैल्यू का पता नहीं लगता है, उन बच्चों से मैं फर्दर कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, जितनी जल्दी चाहो, अगर आपको दो में डिसाइड करना है कि प्राइवेट सेक्टर में रहना है गवर्नमेंट में जाना है, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में तभी रहना फ़ायदेमंद है, बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मान लीजिए आप लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ही फायदेमंद है, तब आपको लगता है कि आप 10 लोगों का काम खुद ही कर सकते हो, तो आप प्राइवेट सेक्टर में मोस्ट वेलकम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 2 का काम भी नहीं कर सकते हो, तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ है, जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी गवर्नमेंट में जाने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं तो फिर ना तो आप प्राइवेट के रहोगे ना आप गवर्नमेंट के रहोगे, फैक्ट है। कुछ बातें आपको खराब लग सकती हैं लेकिन मैं जो बोलूंगा वो ओरिजिनली बोलूंगा और बोलता भी रहता हूं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूं। आप लोग सारे बच्चे सीरियस हो जाओ, सीरियस होकर के पढ़ना शुरू कर दो। बहुत दिनों तक तो कन्फ्यूज़न आ रखा था कि भाई कैसे वैकेंसी आएंगी, अभी वैकेंसी नहीं आई, इस तरीके से वो सारी चीज़ें दिमाग से निकाल करके एकदम कूल माइंड होकर के अपना फोकस करना शुरू कर दो। सेकेंड थिंग, फॉर्म जिन बच्चों ने बीच में भर दिया था उनका एक कन्फ्यूज़न चल रहा है कि जी हमें दोबारा से भरना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको दोबारा से बिल्कुल भरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी फीस जो है वो पहले सबमिट हो चुकी थी। सेकंड थिंग, अगर आपको कई सारी क्वेरी हैं तो वहाँ पर UPSSB का फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी वाली बात करते हैं हम, जैसे कि सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी मार्किंग होती है 425, जिसकी मार्किंग होती है 425। जैसे 125 MCQ क्वेश्चन आए, 125, जिसकी मार्किंग स्कीम कितनी हो गई, 425। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, और
25 मार्क्स आपके लगते हैं एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टरेट है उसके 2 मार्क्स लगेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बीएड है उसका 1 मार्क्स लगेगा, जैसे मान लीजिए कोई नेशनल लेवल का गेम्स प्लेयर है वगैरह वगैरह। तो ये टोटल मार्क्स आपके हो गए 500। 500 में से अगर आप 350 भी स्कोर कर जाते हो, 350 से अबव ही स्कोर होना चाहिए, मतलब अगर आप कैटेगरी, अब देखो ये वाली बात, जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे बात बोली 350, तो 350 एक एवरेज है, समझ रहे हो आप लोग। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 500 में से आपको 400 प्लस करना बहुत जरूरी है अपना सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती हैं, उसके बेसिस पे आपको अपना सिलेक्शन लेना होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको डेली 11-12 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी की, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको नियरली 10 ईयर के यूपी पीजीटी या टीजीटी, जिसमें भी आप जाना चाह रहे हो पीजीटी या टीजीटी में, उसमें आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं रेगुलर बेसिस पे, और खुद से ही एनालिसिस करना है कि आप अभी कितने मार्क्स पे जा रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कम मार्क्स पे जा रहे हो तो कोशिश करिए उनको ज़्यादा बढ़ाइए, और इस चैनल बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। फॉर्म अभी 2-3 दिन बाद भर देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फीस सबमिट जिन बच्चों ने नहीं किया कर दीजिएगा, और अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से बनाए रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर भी लगेगा किसी बच्चे को, अगर आपको ज्वाइन करनी है ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, और यूपी पीजीटी के लिए स्पेशल चलेगा, केवीएस के लिए बैच स्पेशल चलने वाला है ओनली फॉर केमिस्ट्री, जिसकी फीस बहुत ही कम है, ओनली 10,000 रुपये। जिस बच्चे को भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, नहीं भी करना है कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई इन्फॉर्मेशन से आपको अपडेट कराता रहूँगा मैं। और कुछ बच्चे फिर दोबारा से बोलूँगा, जो बच्चे नीट और आईआईटी जेई के हैं, इस चैनल को थोड़ा सा लीव करके YBS इंडिया को ज्वाइन कर लें, और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहें, क्योंकि जो वैसा है अपना मामला वो तो चलता ही रहेगा, और सारी चीज़ों से कभी किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है भाई, प्यार से बातें करनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।